नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की खबरों की। नैनीताल हाईकोर्ट ने चारधाम यात्रा के लिए तय सीमित संख्या की बाध्यता को हटा दिया है। ऐसे में अब बिना किसी रोक टोक के श्रद्धालु चारधाम की यात्रा पर पहुंच सकेंगे। वहीं नैनीताल हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नैनीताल हाईकोर्ट का धन्यवाद देते हुए कहा है कि हाईकोर्ट ने तय सीमित संख्या की बाध्यता को समाप्त कर दिया। ऐसे में अब चारधाम की यात्रा सुचारू रूप से चल सकेगी। हालांकि कोविड नियमों का पूर्ण रूप से पालन किया जाएगा। आपको बता दें कि 18 सितंबर से चारधाम की यात्रा शुरू हो गई है, लेकिन यात्रा के लिए जारी एसओपी के अनुसार अभी तक बद्रीनाथ धाम के लिए 1000, केदारनाथ धाम के लिए 800, गंगोत्री के लिए 600 और यमुनोत्री के लिए 400 तीर्थ यात्रियों को ही प्रतिदिन दर्शन करने की अनुमति थी। और आज मंगलवार को नैनीताल हाईकोर्ट ने चारधाम की यात्रा को लेकर हुई सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सीमित संख्या की बाध्यता को समाप्त कर दिया, जिससे श्रद्धालुओं और व्यापारियों में खुशी की लहर देखने के लिए मिल रही है। जब से यात्रा चालू हुई थी और यात्रा चालू होने के बीच में बहुत सारी जगह जगह से लोगों को तमाम प्रकार की जो दिक्कतें हो रही थी उसको देखने के लिए और साथ में जो पुनर्निर्माण के कार्य वहाँ चल रहे हैं केदारपुरी में, उनको मैं आज देखने गया था। केदारपुरी में अभी तक लगभग कुल मिलाकर 409 करोड़ रुपये का कार्य प्रस्तावित और चल रहे हैं दोनों मिलाकर, जिसमें 225 करोड़ का फेज वन का जो काम है वो पूरा हो गया है और फेज टू का निर्माणाधीन जो है 114 करोड़ है। फेज टू में जो निविदा प्रक्रिया चल रही है वो 70 करोड़ की है। इसी प्रकार से बद्रीनाथ में भी फेज वन में 245 करोड़ ये स्वीकृत धनराशि है। गंगोत्री यमुनोत्री सब मिलाकर जो निविदाएँ निकली हैं अभी तक, जब से ये नई सरकार काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी की 2017 के बाद, 708 करोड़ रुपए इन चारों धामों में प्रस्तावित हैं और काम चल रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज सुबह केदारनाथ धाम पहुंचे, जहां वीआईपी हेलीपैड पर बीजेपी कार्यकर्ता और देवस्थानम बोर्ड के कर्मचारियों ने सीएम का फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। इस बार सीएम ने मंदिर पहुंचकर बाबा केदारनाथ के दर्शन भी किए। बता दें कि 7 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का केदारनाथ में प्रस्तावित दौरा है, जिसके चलते आज सीएम पुष्कर सिंह धामी ने केदारनाथ पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इसके साथ ही सीएम ने केदारनाथ धाम में चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों का भी जायजा लिया है। आप बता दें कि 7 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड दौरे पर आ सकते हैं, जिसको लेकर तैयारियां भी पुरजोर कर रखी है और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज केदारनाथ धाम पहुंचे, वहां पर दर्शन पूजन किया, तैयारियों का भी जायजा लिया है। रुद्रप्रयाग की तस्वीरें आप देख रहे हैं, पुनर्निर्माण कार्यों का भी जायजा लिया गया है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 अक्टूबर को उत्तराखंड के दौरे पर रह सकते हैं और ये दौरा उनका लंबा चल सकता है। हालांकि फिलहाल ये दौरा सिर्फ और सिर्फ दर्शन पूजन का बताया जा रहा है, लेकिन आमतौर पर देखा जाए तो यह दौरा 2022 को लेकर भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही बीजेपी विधायकों ने चुनावों को लेकर अपनी कमर कस ली है। सभी विधायक अपने क्षेत्रों में किए गए विकास कार्यों को गिनाने में लगे हुए हैं। वहीं देहरादून की राजपुर विधानसभा से विधायक खजान दास ने जब हमारे संवाददाता सुभाष कौर ने खास बातचीत की, तो आप भी सुनिए क्या कुछ कहना है उनका। 2022 का विधानसभा नजदीक है और विधानसभा चुनाव से पहले कितना विकास कार्य विधायकों ने अपने क्षेत्र में किया, इसके लिए हम आज पहुंचे हैं एमएलए हॉस्टल में, जहां हमारे साथ राजपुर के विधायक खजान दास जी मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कितना विकास कार्य उन्होंने किया। सर, समय खत्म हो गया, अब केवल चुनौतियां हैं आपके पास कि पिछले 4.5 सालों में जो काम किया नहीं हो पाए उन्हें पूरा करना है, किस तरीके से देखते हैं और कितना विकास कार्य अपनी सीट पर किया आपने? देखिए, कुल मिलाकर के ऐसा है कि जिस तरह से विकास कार्य तो लगातार चलते रहते हैं, विकास पीछे भी होता रहा और आज भी हो रहा है और आगे भी होगा। लगातार जिस तरह से विकास होता है तो विकास करने की गतिविधि जब आगे बढ़ती है तो उसकी कड़ियां और जुड़ जाती है और उन कड़ियों को सुलझाने के लिए जो नेतृत्व की आवश्यकता होती है, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो सांसद हो, चाहे वो पार्षद हो, सभी अपने अपने काम पे लग जाते हैं।
और जो चुनौतियां थी और जिस तरह से जो हमने कहा था जनता के बीच में, उस तरह से हमने काफी काम किए हैं, काफी आगे बढ़े हैं, आगे भी काफी काम करने को बाकी है और उस काम को हम पूरा करेंगे और फिर जब वो पूरा हो जाएगा फिर आगे जो काम होंगे उसको भी करेंगे। सर समय तो बहुत कम बचा है, मुश्किल से 3 से 4 महीने हैं आपके पास, 4.5 साल का जो समय था वो तो चला गया काम करने का, आप केवल चुनाव की नजदीकियों में काम करेंगे, आप विकास कार्य क्या किया आपने 4.5 साल? सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि 4 साल 4.5 साल तक हम चुप नहीं बैठे, लगातार मैंने पहले ही कहा कि विकास कार्य कभी बंद नहीं होता है, विकास कार्य एक निरंतर प्रक्रिया है और उसको निरंतर आगे बढ़ाना चाहिए। इसी के निमित्त जो हमने जनमानस के साथ वादे किए थे वो पूरे करने की हमने कोशिश की, उसको पूरा भी किया, कुछ काम ऐसे हैं कि जो अभी करने को बाकी है, जिस तरह से हमारा स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट है जो मेरे 10 वार्ड है, 10 वार्डों को प्रभावित करता है, काफी काम हुए हैं, काफी होने को बाकी है। और जब कोई काम शुरुआत होती है, कोई जादू की छड़ी किसी के पास नहीं होती कि जादू की छड़ी घुमाई और सारा छुमंतर हो गया, ऐसा नहीं है, काम धरातल में होता है। आज की अगर हम बात करते हैं तो जैसे मान लिया जाए कि पहले हमने यहाँ पर सबसे पहले जब मैं विधायक बनकर के आया था तो दिक्कत एक हो गई थी यहाँ पे कि जो हमारी हाई टेंशन की लाइन वो बस्ती के ऊपर से जा रही थी जिससे काफी लोग प्रभावित हो रहे थे, 5 डेथ वहां पर हुई थी, किंतु उस काम को हमने प्राथमिकता में लिया, 50 लाख रुपए आज विधायक निधि से और 1.5 करोड़ रुपया माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वीकृत किया और उस काम को हमने पूरा किया, उस लाइन को हमने चेंज किया, आज सब वहां पे आराम से रह रहे हैं। बहुत अच्छा सर कि आपने जो हाई टेंशन थी वो हटाई, लेकिन आज भी आपके क्षेत्र में देखा जाता है कि जब बरसात आती है तो आपको खुद निकर पहनकर लोगों के घर जाना पड़ता है, पानी निकालना पड़ता है, वो व्यवस्था अभी तक क्यों नहीं सुधरी, क्योंकि आपको तो पहले से अनुभव था इस क्षेत्र का कि स्थिति बहुत खराब है बरसात के दिनों में, आज भी वही स्थिति जैसी बनी हुई है। मैं क्लियर करूं, मैं क्लियर करना चाहूंगा कि हम देहरादून शहर में रह रहे हैं, देहरादून शहर एक मानवा शहर है, आज से नहीं, बहुत शुरुआत से लेकर के जब से बसा होगा तो छोटा नगर रहा होगा, आज बहुत बड़ा नगर और महानगर बना हुआ है। उसके निमित्त हम सब ने जो काम सीमेंटेड सब पक्का कर दिया, हमने पानी बरसता है, पानी ने अपना रास्ता चुनना ही चुना है, हमारे जो नाले खाले थे, जो हमारे जो है बरसाती नाले थे, जो हमारी नदियां थी, वो हमने पूरी उसको जो है बिल्कुल कम कर दिया है, उसको जो उसकी लंबाई चौड़ाई थी, जो चौड़ाई थी उसकी, उसको घटाते घटाते गए और हम आगे बढ़ते गए। इसलिए जब बरसात होती है और बहुत तीव्र से होती है तब कहीं ना कहीं दिक्कतें आती है और इस दिक्कतों का सामना हमको करना पड़ता है और ड्रेनेज सिस्टम हमको अत्यधिक यहाँ पर करना होगा ताकि पानी धरती के अंदर जाए, ये हम कर रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ खजान दास जी, जिन्होंने बताया कि अब क्षेत्र में पानी नहीं भरेगा यदि उनको एक बार फिर मौका दिया गया। कुल मिला के कहा जा सकता है कि 2022 का चुनाव नजदीक है और चुनाव नजदीक आते आते राजनीतिक दलों की जो योजनाएं हैं वो फिर से जनता के सामने आने लगी है और जिस तरीके से वो विकास कार्य आगे भविष्य में करेंगे उसकी घोषणा भी वो करने लगे हैं। कैमरामैन सागर बिष्ट के साथ मैं सुभाष कौर, न्यूज वर्ल्ड इंडिया, देहरादून। द्वितीय केदार के नाम से विश्व विख्यात मद महेश्वर धाम में बारिश के चलते अफरा तफरी का माहौल है, जहां बारिश का पानी और मलबा मंदिर परिसर सहित आसपास के क्षेत्र में भर गया है, जिसके चलते मंदिर में रह रहे लोग सुरक्षित स्थानों पर चले गए हैं। बता दें कि धाम में लगातार बारिश हो रही है जिसके चलते नदी नाले भी उफान पर हैं। मामले में जिला पंचायत सदस्य विनोद राणा का कहना है कि मद महेश्वर धाम के ऊपर पहाड़ियों में जल मोड़ नाली का निर्माण नहीं होने से स्थिति और विकट बनी हुई है, बारिश का पानी सीधे मंदिर में आकर अफरा तफरी का माहौल पैदा कर रहा है। उन्होंने प्रशासन से शीघ्र ही मद महेश्वर धाम की सुरक्षा को लेकर जल मोड़ नाली का निर्माण कराने की मांग की है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, मंदिर परिसर में मलबा और बारिश का पानी लगातार घुस रहा है जिसकी वजह से अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है, लोग सुरक्षित स्थानों पर पहुंच रहे हैं। कल रात मुझे ग्राम सभा गोंडार के प्रधान श्री वीर सिंह तोमर जी का फोन आया, उन्होंने वहां की कुछ वीडियो मेरे को भेजे कि मद्महेश्वर धाम में तेज बारिश से पूरा मंदिर प्रांगण और मुख्य जो प्रवेश द्वार है वो पानी से भर गया है, जिस कारण वहां पर रह रहे मंदिर के पुजारी, स्थानीय व्यापारी, देश विदेश से
आ रहे हमारे तीर्थयात्री वो कर्मचारियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इससे पूर्व भी पिछले वर्ष भी वहाँ पे इस प्रकार की समस्या आई थी। मेरा जिला प्रशासन से निवेदन रहेगा कि जल्द से जल्द वहाँ पे स्थानीय प्रशासन और सिंचाई विभाग की टीम को भेजा जाए और उसका एक स्थलीय निरीक्षण कर उसका एस्टिमेट बनाया जाए और वहाँ पे जल मोड़ नाली या उसके पानी की निकासी के लिए एक बेहतर व्यवस्था की जाए, यही मेरी जिला प्रशासन से मांग है। धन्यवाद। बीजेपी ने अपना दमखम दिखाना शुरू कर दिया है। बीजेपी के जिला अध्यक्ष रघुवीर सिंह बिष्ट जनता के बीच जाने लगे हैं और बिष्ट का कहना है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी। वहीं रघुवीर बिष्ट ने कहा कि मैं कोई प्रत्याशी नहीं हूं और किसी भी कार्यकर्ता को हक है कि वो चुनाव की तैयारी करे और टिकट जिसे भी मिले कार्यकर्ता मिलकर अपने उम्मीदवार को जिताएगी। वहीं बद्रीनाथ विधायक महेश भट्ट ने भी कहा है कि उनके विधानसभा में उन्होंने काफी विकास किया। उन्होंने दूर दराज गांव तक सड़क पहुंचाने का काम किया है। भाजपा ने अपने कार्यकाल में विकास किया। भाजपा सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, सड़क जैसे मुद्दों पर विकास किया है। इन्हीं विकास कार्यों के दम पर वो जनता से वोट मांगने जा रहे हैं और आगे भी जाएंगे। इसके तौर पर भारतीय जनता पार्टी फिर सत्ता में आएगी। ये लगभग कांग्रेस के लोग आम आदमी पार्टी के लोग मानने लगे हैं। अभी दो दिन पहले घटनाक्रम आम आदमी पार्टी के बहुत लोग बने बने जुम्मे जुम्मे कितने दिन हुए थे, आज भारतीय जनता पार्टी वापस आ रहे हैं और सब जगह जो हमारे नए मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी उनके नेतृत्व में सब कार्यकर्ता बूथ तक अपनी रचना हम तैयार किए हैं और मैं कह सकता हूँ 2022 में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से सरकार। तो यदि तीन भागों में आप कहेंगे कि तीन विधानसभाओं के रूप में आप इसको माने, तो 2000 से लेकर के 2017 तक का विकास और 2017 से लेकर के आज तक का विकास यदि आप इसको तुलना करें तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि सबसे ज़्यादा सड़कों का विकास, सबसे ज़्यादा सड़कें हमने 2017 से 2000 आज तक के कार्यकाल में किया है। जल मिशन का कार्य हमारे जनपद चमोली में प्रत्येक घर को नल और उसमें जल, उसी उस जल मिशन के तहत ये कार्य चल रहा है। हमारे यहाँ जितने भी हॉस्पिटल हैं उन सबको अपग्रेड किया गया है। हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में स्वास्थ्य की दृष्टि से हमने जितने भी डॉक्टर्स थे उनकी कमियों को दूर किया है। लोगों को यहाँ स्वस्थ रखने के लिए लोगों को फैसिलिटी दी है। ऑक्सीजन प्लांट हमने वहाँ लगाया है और इस प्रकार से आप यदि देखेंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में हमारे जितने हायर एजुकेशन हैं सभी जगह हमारे पूर्णकालिक प्राचार्य हैं, पूरी फैकल्टियाँ हैं, चाहे हमारे बद्रीनाथ विधानसभा में जोशीमठ हो, चाहे गोपेश्वर हो, चाहे पोखरी हो। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने चारधाम यात्रा को पूर्ण रूप से खोल दिया है। इसके अलावा ई पास की अनिवार्यता को भी खत्म कर दिया है। यात्रा को पूर्ण रूप से खोलने के बाद केदारनाथ, रुद्रप्रयाग और गुप्तकाशी, सोनप्रयाग, फाटा क्षेत्रों में व्यापारियों ने न्यायालय के फैसले का स्वागत किया और जश्न मनाया। कोरोना महामारी कम होने के बाद 18 सितंबर से उत्तराखंड हाईकोर्ट नैनीताल ने चारधाम यात्रा को सुचारू करने के निर्देश दिए थे। हाईकोर्ट ने यात्रा में ई पास और लिमिट यात्रियों की संख्या को रखा था। आपको बता दें कि पास सिस्टम जारी होने के कारण हजारों की संख्या में यात्री केदारनाथ के दर्शन नहीं कर पा रहे थे और यात्रियों को जगह जगह से वापस लौटाया जा रहा था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आज बड़ा फैसला सामने आया और इस फैसले में अब जो संख्या की सीमित होने की बात थी वो पूरी तरह से हटा दी गई है। अब जो भी चाहे वो दर्शन करने के लिए केदारनाथ चारधाम यात्रा पर जा सकता है। खासा परेशान हो रखे थे हमारे जितने भी होटल एसोसिएशन थे, व्यापारी थे, वो कहीं ना कहीं निर्भर जो है इस एक डेढ़ महीने की यात्रा में थे और आप देख रहे थे लगातार एक क्या बोलते हैं, जब से यात्रा खुली है हमारे पूरे जिले व्यापार मंडल के व्यापार मंडल और होटल एसोसिएशन जो है लगातार जो है आंदोलन कर रहा था कि यात्रा आप पूर्ण रूप से खोल दें जिससे हमें जो है प्रत्यक्ष रूप से इसका जो है लाभ मिल सके यात्रा का। और कहीं ना कहीं मैं माननीय न्यायालय जी का न्यायालय का हृदय से जो है आभार व्यक्त करूँगा और धन्यवाद अदा करूँगा कि उन्होंने जो है व्यापारियों की समस्याओं को समझा और यात्रा को जो है पूर्ण रूप से खोला। माननीय न्यायालय जी का जनपद रुद्रप्रयाग के समस्त व्यापारी एवं होटल एसोसिएशन की तरफ से हार्दिक धन्यवाद जो है व्यापार मंडल अदा करता है। माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल ने जो व्यापारियों चारधाम व्यापारियों के पक्ष में जो यात्रियों की समय संख्या बल को समाप्त करने का जो आदेश दिया है इसमें श्री केदारधाम होटल एसोसिएशन और घोड़ा खच्चर संचालक ढाबा व्यापारी सभी
माननीय उच्च न्यायालय का आभार प्रकट करते हैं, सरकार का आभार प्रकट करते हैं, जिसमें सरकार ने और न्यायालय ने हमारे पक्ष में जो फैसला किया है दिया है उसका हम स्वागत करते हैं। डोईवाला तहसील के अंतर्गत आज तहसील दिवस का आयोजन किया गया। आयोजन में नायब तहसीलदार भोपाल सिंह चौहान ने ग्रामीणों की समस्याओं को सुना और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। भोपाल सिंह चौहान ने बताया कि तहसील दिवस में कुल 29 शिकायतें दर्ज की गई हैं, जिसमें वन विभाग, लोक निर्माण और राजस्व विभाग से संबंधित शिकायतें प्राप्त हुई, जिसे संबंधित विभाग को हस्तांतरित कर दिया गया। तो वहीं तहसील दिवस में दीवान सिंह रावत ने सिधवाल और सनगांव में कुछ मतदान स्थलों के दूर होने का मामला उठाया और मतदान स्थलों में परिवर्तन के संबंध में अपनी शिकायतें दर्ज कराई हैं। वहीं रामचंद्र ने जाखन नदी में लगातार अवैध खनन और स्ट्रीट लाइट ना होने पर शिकायत भी की गई। आज डोईवाला तहसील में तहसील दिवस लगाया गया है। इसमें लोगों को बहुत फायदा मिला है, क्योंकि एक ही जगह सब अधिकारी मिल जाते हैं और लोगों की सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है, और बहुत अच्छी पहल है। और माननीय मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा कि ऐसे ही जनता दरबार, तहसील दरबार ऐसे लगते रहें ताकि लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा समस्या का समाधान हो सके। तहसील दिवस में कुल 19 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जो अधिकांश वन विभाग, PWD, कुछ राजस्व विभाग, MDDA से संबंधित थी, जो हमने निस्तारण के लिए संबंधित विभागों को प्रेषित कर दिया। वन विभाग के द्वारा रिजर्व लैंड में गड्ढे खोदने के बाद प्रॉपर्टी डीलरों में हड़कंप मच गया। वन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक प्रॉपर्टी डीलरों ने वन विभाग के रिजर्व लैंड जमीन पर आवागमन शुरू कर दिया था। सड़क के दोनों तरफ वन विभाग की जमीन है। वन क्षेत्र अधिकारी दिनेश नौटियाल ने बताया कि सुमन नगर क्षेत्र में वन प्रभारी की हाईवे किनारे जमीन है। प्रॉपर्टी डीलर्स के पास उनके आवागमन का नाममात्र का रास्ता था। मंगलवार को विभाग ने JCB मंगाकर वहां पर बड़े पैमाने पर गड्ढे खोद दिए। उन्होंने साफ कहा है कि अगर किसी भी प्रॉपर्टी डीलर या स्थानीय व्यक्ति ने रिजर्व लैंड पर कब्जा किया तो उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। हाँ, ये पिछले कुछ दिनों में हम लोगों को अवगत कराया था कि एक वहां पे नहर पटरी है, नहर भाई की जमीन है वो बेसिकली, और वन विभाग का जो है संरक्षित वन घोषित है। वहाँ पे हमारे प्लांटेशन वगैरह होते हैं, तो वहाँ बीच में कुछ लोगों द्वारा प्रयास किया जा रहा था कि वहाँ से अपना रास्ता निकालने के लिए कुछ होर्डिंग्स वगैरह वहाँ पे लगी थी, तो उन पे हमारे द्वारा कार्रवाई की गई थी। जितने लोगों ने भी वहाँ पे अवैध तरीके से होर्डिंग्स लगाई हैं तो उन पे हमने कार्रवाई की, और साथ ही अगर कुछ गलत मंसूबे लेकर के लोग वहाँ पे आ रहे थे तो उनको भी हिदायतें दी गई थी, चेतावनी दी गई थी। और अभी भी मेरी तरफ से क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि इस तरह का प्रयास न करें। अगर कोई इस तरह की हिमाकत करता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सुसंगत धाराओं में भारतीय वन अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी, और ये क्लियर आप अपने माइंड में रख लें कि वो संरक्षित भूमि है, तो वहाँ पे किसी भी तरह के इस तरह की कोई भी कार्रवाई को हम स्वीकार नहीं करेंगे। लक्सर में जिला आशा वर्कर्स प्रशिक्षण केंद्र धर्म ग्रामीण उत्थान को 3 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आशाओं को आपदा प्रबंधन से निपटने के लिए आयोजन किया जा रहा है, जिसमें लक्सर ब्लॉक और खानपुर ब्लॉक की सभी आशाओं के द्वारा किया जा रहा ये कार्यक्रम। वहीं आशा नीलम देवी ने बताया कि 3 दिवसीय प्रशिक्षण के दौरान आपदा आने पर गर्भवती महिलाएं, छोटे बच्चे, बुजुर्गों को सुरक्षित जगह पर रखने और अपनी सुरक्षा करने की जानकारी दी जा रही है कि कैसे वो आपदा के समय में इन सभी की जान बचा सकती हैं और अपनी भी सुरक्षा कर सकती हैं। आपदा आती है अचानक, ये हमारी 3 दिवसीय ट्रेनिंग हो रही है। इसमें जैसे हमें हमारी जो आपदा आई है एकदम, उसमें गर्भवती हमारी ज़्यादा होती है, मतलब उन्हें ज़्यादा नुकसान पहुंचता है, गर्भवती, छोटे बच्चे, बुजुर्ग, इन लोगों को हमें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना है और अपने आप को भी सुरक्षित रखना है, क्योंकि हम अपना बचाव करेंगे तभी हम इनका बचाव कर सकते हैं। यहाँ पे धर्म ग्रामीण उत्थान सेवा संस्था की तरफ से जो है आशा को डिस्ट्रिक्ट आशा रिसोर्स सेंटर के माध्यम से ये 3 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें आपदा प्रबंधन के लिए आशा को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसमें आशा अपने समुदाय में जाके लोगों को जागरूक करेगी, जैसे गर्भवती महिला हैं, किशोरी बालिकाएँ हैं या वृद्धजन हैं हमारे, तो उन्हें जैसे आपदा के तहत कोई भी घटना, आपदा आ जाती किसी टाइम अचानक से, तो उन्हें एक तरह से सुरक्षित स्थान पर पहुँचाएगी,
सुरक्षित स्थान होना चाहिए, सुरक्षित जो है धैर्य रखना है, किस तरह से हमें आपदा में लोगों का बचाव रखना है, जैसे खान पीन का देखभाल करनी है या जो है हेल्थ कैंप लगाने हैं, तो उस तरह से लोगों को जो है घर घर जाके आशा जो है आशा के माध्यम से जानकारी दी जाएगी। सितारगंज के मंडी में धान की तौल नहीं करने पर किसानों ने धरना प्रदर्शन किया, जिसके बाद उप जिलाधिकारी ने मौके पर पहुंचकर किसानों को समझाया और तौल शुरू कराया। तब जाकर किसान शांत हुए। किसान ने धान की पर्याप्त तौल करने की मांग कर रहे लगातार और इसको लेकर सरकारी केंद्रों पर धान की खरीद 1 अक्टूबर से शुरू हो गई है और सितारगंज मंडी में राइस मिलर ने किसानों की धान नहीं तौलने पर किसान भड़क गए। वहीं किसान ने बताया कि मंडी में 35 कच्चा ताड़ियों का रजिस्ट्रेशन है, जिनमें से 12 ब्लैक लिस्टेड चल रहे हैं। बताया भी जा रहा है कि 16 कच्चा ताड़ियों के कोड आ गए हैं। इस पर उप जिलाधिकारी ने राइस मिलर्स को मौके पर बुलाकर बातचीत की और तय किया गया है कि 70 ट्रॉली धान तोला जाएगा। तो धान की तौलाई ना होने पर किसान अचानक भड़क गए, जिसको लेकर लगातार प्रदर्शन करने लगे। उप जिलाधिकारी के पास किसान पहुंचे, जिसके बाद किसानों को समझाया गया है और उप जिलाधिकारी निर्देश दिए हैं कि एक दिन में कम से कम 70 ट्रॉली धान जो है उसकी तौलाई होगी और अगर ऐसा नहीं होता तो उक्त कार्रवाई की जाएगी। और किसानों को बिठा के बातचीत हुई है, इसमें अभी ये सोल्यूशन निकला है कि अभी तत्काल प्रभाव से जो है खरीद शुरू कर दी गई है। जो 16 कच्चे आड़तियाँ जिनको कोड मिल गया है और आशा है कि जल्दी सभी लोगों के जो जिन्होंने अप्लाई किया है उनके कोड मिल जाएंगे और धान खरीद जो है सुचारू रूप से चलती रहेगी। सर जैसे कि हम पूर्णतया प्रयासरत हैं और अभी जैसे जैसे कच्चा आड़तियों के की संख्या भी और बढ़ेगी, जैसे आप कह रहे हैं कि धान की जो मात्रा बढ़ेगी उसके साथ कच्चा आड़तियों के कोड भी मिल जाएंगे, तो हमारे पास खरीदार भी ज़्यादा हो जाएंगे और उसी हिसाब से जो है खरीद को हम सुचारू रूप से कर पाएंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।